किसकी सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर? भाजपा आएगी, दिल ठोक के कर। अब देख लीजिए, आएगी तो कांग्रेस ही हरियाणा में। कांग्रेस दावा कर रही है और बनेगी भी सरकार कांग्रेस की। जो खट्टर साहब हैं वो हरियाणा की सरकार की जनता को नहीं सुनते, वो मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। यार विनेश फोगाट का तो एक बात बताओ, 550 ग्राम वजन कम हो गया तो उसको हटा दिया, या ज्यादा हो गया तो नहीं खेल पाई, उसमें कमी किसकी है? तो कांग्रेस से काम बताइए, सुन लीजिए, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। हाँ वही है, जनता भी तो है देश में, क्यों नहीं है? क्या गरीब ये भाई साहब है, गरीब है क्या ये बंदे भारत में बैठेंगे? क्या वो बोलते हैं हवाई चप्पल पहनाएंगे गरीबों को? हवाई चप्पल पहना रहे क्या मोदी जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, मैं आपके साथ शिवम चौबे। हरियाणा चुनाव इस समय बेहद नजदीक है और इस समय तमाम राजनीतिक दल ये पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हरियाणा का चुनाव जीता जाए। एक तरफ बीजेपी है जो अभी मौजूदा सरकार में है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये दावा कर रही है कि केजरीवाल की ईमानदारी पर वोट पड़ेगा और हरियाणा जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि भगवान ने मोदी को 2024 का लोकसभा चुनाव में शिकस्त कराने का काम किया है, अब किसी तरह हरियाणा भी निकल जाएगा। जनता से राय लेंगे कौन जीत रहा है इस बार, हरियाणा की गद्दी किसके हाथ में आ रही है? सैनी साहब तो कह रहे हैं दोबारा बन के आएंगे। देखिए मैं यूपी उत्तर प्रदेश से और संदीप तोमर अलीगढ़ से, और मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा सरकार में जो हरियाणा के जो चुनाव हैं और हरियाणा की जनता ने देख लिया, और आने वाले जो खट्टर साहब ने इन्होंने जो किसानों को भी और वहाँ की जो माता बहनों को भी सताने का काम किया। दूसरी बात, कंगना रावत जी को जवाब आया है कि MSP का जो है, जो तीन जो कानून बिल लेके आए वो दोबारा लागू करे जाएंगे, वो अब दोबारा नहीं हो पाएंगे। क्यों? अब देख लीजिए, आएगी तो कांग्रेस ही हरियाणा में। कांग्रेस दावा कर रही है और बनेगी भी सरकार कांग्रेस की, क्योंकि वहाँ की जनता ने देख लिया है और इनको 10 साल को इनको दावा देख लिया, 10 साल में ये सपने लेके आए वो सपने अधूरे रह गए, और कभी भी सरकार ने और खट्टर साहब ने कभी सरकार ये जो वादा है कभी पूरा नहीं हुआ है। आपने देखा सिंघू बॉर्डर पर किसान कितने बैठे रहे, हर दुहाई देते रहे कि हमारी बांगे सुन लीजिए, पर खट्टर साहब के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि इनके जो भाजपा सरकार और जो इनके जो देश के प्रधानमंत्री जी थे उनके आंखों पर पट्टी बांध रखे, क्योंकि मन जो खट्टर साहब हैं वो हरियाणा की सरकार की जनता को नहीं सुनते, वो मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। सैनी साहब के बारे में क्या कहना, मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा बीजेपी का वही है और कहीं ना कहीं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए सैनी साहब को भी मैं बताना चाहता हूँ और खट्टर साहब की, खट्टर साहब में और सैनी साहब में कोई अंतर नहीं, वही एक ही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या? आप कांग्रेस बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि केजरीवाल की ईमानदारी पे वोट पड़ेगा, हरियाणा के लाल हैं, जन्म तो उनका हरियाणा में हुआ है, अब किस तरीके से इसको समझाएंगे? वो छोड़ो, अब जो हरियाणा केजरीवाल जी आपका मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, अब तो मुख्यमंत्री दूसरे हैं ना, और वो केजरीवाल जी हैं खाली कांग्रेस की वोट काटने पर लगे, वोट काट देंगे तभी कांग्रेस जीत जाएगी, बता जीतेगी वो तो। ठीक है, और लोगों से पूछते हैं सर किसकी सरकार देख रहे हैं हरियाणा में, मंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है पूरी तरीके से। अच्छा भाई साहब, रहते कहाँ हैं फिलहाल? मैं यूपी में ही रहता हूँ, मैं रहता हूँ हरियाणा का ज्ञानपुरा। राजनीति की बात है, सुन तो लो पूरी बात है यार, ये आपके बीच में मैं नहीं बोला ना। और यूपी के क्या हाल है? यूपी में भी स्थिति खराब कर रखी है। देखिए जाके आप तो वैसे शहरों के बड़े उनके इंटरव्यू लेते, गाँव में जाके देखिए, गाँव में इतने गड्ढे भरे हैं, शमशान घाट नहर की नदियाँ की बात करते हैं ना, गांव के डेड बॉडी लेके नदियों के किनारे पे फूका जाता है, वहाँ के ए पांचों गाँव मन के 5 करोड़ रुपया खाते में आता है और खाने लगे, इन्हें विकास कुछ हुआ नहीं है। बता रहे भ्रष्टाचार हो रहा है यूपी में भी और हरियाणा में भी हो रहा है। मेन अभी हम हरियाणा पे टिके हैं, ये जब कांग्रेस से पहले सॉरी भाजपा से भैया शांति रख, मैं हरियाणा का ही हूँ, मुझे ज्ञान ना बांट। कांग्रेस भाजपा से पहले किसकी सरकार थी वहाँ पे? हुड्डा की, ठीक है। और जो वहाँ पे गुड़गावा के अंदर जमीन घोटाला हुआ था किसने करा था? रॉबर्ट वाड्रा। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में। वो घोटाला किसका? घोटाला करा था, आज तक जेल सलाखों के पीछे क्यों नहीं बैठ पाया? तमाम ईडी समन भेजती है पर कार्रवाई सालों साल अटकी रह जाती है। यही तो हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया है, ईडी का सम्मान नहीं करते और फिर कहते हैं ईडी और CBI को सेंटर के कब्जे में है। उससे पहले ईडी CBI नहीं थी, बताइए आप सम्मान करते नहीं हो, जाते होने आप, मैं कहता हूँ पाक साफ हो जाओ तो से एक बार। अच्छा कौन आ रहा है ये बता रहे हैं तो स्पष्ट बोल रहे हैं कांग्रेस आ रही है, अब कौन आ रहा है हरियाणा में? अगर आप बीजेपी बता रहे हो तो क्यों बीजेपी? कि कांग्रेस ने दावा करा है, हमारे कांग्रेस ने लोकसभा में भी दावा करा था, यूपी में भी दावा करा था, दो भाई दो जवानों की जोड़ी थी,
दो जवानों की नहीं थी, पहले सुन लो, दो जवानों की नहीं थी, दो बैलों की थी वो। मोदी जी ने योगी जी को क्या बयान बताया था कि यूपी में कितनी सीटें लेके आएंगे? यूपी में योगी जी ने खुद बोला 80 में 80 सीटें लेके आएंगे, तो यूपी में कितनी सीटें लेके आए ये लोकसभा में पूछ रहे लो ना। यार एक बात पहले इनसे बोलो, मैं बाद में बोल लूंगा। एक बात बताइए, हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है, ठीक है ना। बच्चा भी पेपर जब देने जाता है ना, मैं कहता हूँ, वो कहता है मैं 100 के 100 में करके आऊँगा, वो 70 पे आता है, 80 पे आता है या 50 पे आता है, उसका एक एम तो है। तुम्हारा क्या एम है? अरे ये कह रहे हैं चलिए लड़का जो भी किया पास हो गया, कहीं से कहीं सरकार बना ली। राहुल गांधी ने दावा किया था 295 सीटें आएंगी, कांग्रेस की बता रहे थे, इंडिया अलायंस की 100 भी 99 पे रहेगा। क्यों? आखिर गठबंधन तो 37 सीटें लेके आया है ना, लेके तो आया केवल उत्तर, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, देश का चुनाव था, गठबंधन है ना, सुन लीजिए। और दूसरी बात, 2014 से लेके 2024 तक कितनी भर्ती निकाली और कितनी युवाओं की नौकरी खाने की कोशिश करी और कितने युवाओं के भविष्य बिगाड़ने का काम किया। देखिए मेरा एक प्रश्न इससे आता है, जब आप बता रहे 2014 से 24 तक इतना कुछ हुआ, युवा बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, फिर भी देश के युवाओं ने क्यों मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना? अगर कोई युवा आप बर्बाद हो रहे हैं, आप फिर भी उसी को जाकर वोट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है। बयान है, सुन लीजिए, एक मिनट, बयान है, खुद मौजूद के सामने बोला है एमपी ने, जो सतीश गौतम जो सांसद हैं उन्होंने बयान बोले हैं कि जनता के दम पे नहीं जीता मैं, और अपने दम पे और पैसा के दम पे जीता हूं मैं। ये खुद सतीश गौतम के बयान है, वो जब कहते दो बार जनता ने खुद अलीगढ़ लोकसभा में चुन के भेजा है यहाँ पे दिल्ली में, और वही जाके वहां जाके गरीब लोगों के, दलितों के, सुन लीजिए, मैं पैसे के दम पे जीता हूँ, पैसों के दम पे जीते हैं। अच्छा। और वही कहते हैं कि हम तुम्हारे इतिहासी हैं और हिमाती हैं, हम तुम्हारे गरीबों के और वो गांव का जो जवाब उठाएंगे जाके संसद में। आज वो घर पे चुप बैठे, उनके मुंह पे टेप लग गया है, वो नहीं बोल पा रहे। क्यों? आप देख लीजिए अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ के अंदर गांव के गांव, गली अलीगढ़ में जाके खुद ये घुटन घुटन पानी भर रहा है, तो वो कहाँ है? क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के बारे में बात हो रही है? इनको दिक्कत है दो चीजों पे, इनको दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत हो रहा है उस पे, इनको दिक्कत है जब रक्षा मंत्रालय हमारा सबसे ज्यादा मजबूत हो रहा है उस पे, इनको दिक्कत है जो इकोनॉमिक जहाँ 10वें नंबर पे थे 11वें नंबर 30वें नंबर पे आ गई, उनको इनको वहाँ दिक्कत है, इनको काम पे दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके रग रगों में बसा हुआ है कांग्रेस के, ठीक है, 65 साल से इन्होंने काम किया नहीं था, अब जब काम कर रही है तो काम करने दे नहीं रहे हैं ये लोग, ठीक है। हम इनसे बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, अपना 10 काम गिनवा दीजिए, ठीक है, अगर 10 काम गिनवा देते हैं तो हम आपको 500 काम हम अपना गिनवा देते हैं, कितने कितने योजनाएं लेके आए हैं, ठीक है, कितनी योजनाओं पे हमने काम किया है, चाहे आयुष्मान से लेकर चाहे गंगा सफाई से लेकर, कितनी 5 आप गिनवा दी, 5 ये गिना देंगे, चलिए ठीक है, 10 गिनवाएंगे, 5 मैं 5 पे गिनवाता हूँ, ठीक है। पहला काम भाई साहब, पहले यहाँ 65,000 किलोमीटर सड़कें थी, ठीक है, आज 1,65,000 आज 1,25,000 किलोमीटर सड़कें कितने सिर्फ 10 साल में बनाने का काम हो गया है, पहला। दूसरा काम, एम्स कितने बन गए हैं आप ये भी देख लीजिए, पहले सिर्फ 3 से 4 एम्स थे, ठीक है, 6 एम्स मैं बोल के चल रहा हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बनाया था, वो भी कांग्रेस वो उसमें बीजेपी के राज में बना था, ठीक है, आज कितने एम्स है, देखिए मैं देखिए बढ़ रहा है लेकिन बना नहीं है, बन रहा है धीरे धीरे, काम चालू हो चुका है लेकिन दो मन, ठीक है, विकास हो रहा है। तीसरा एक चीज़ ले लीजिए, क्योंकि मान ये क्या कहते हैं आज जो G20 पे काम किया हुआ है, ठीक है, तीसरे नंबर पे लाने वाला भी तो मोदी ही था, ऐसा देश में छवि की बात कर, छवि की, ठीक है, रक्षा पे, ठीक है, अब एक चीज बता, ये तीन काम हो गए। चौथा काम देखिए, आपने क्या कहते हैं एयरपोर्ट कहाँ कहाँ थे यूपी में, आपने देखा था कहाँ थे, दो थे, आज कितने हैं एयरपोर्ट, ठीक है ये। और पांचवा काम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इन्होंने कितना स्कूल बनाने का काम कर दिया ये भी देख लीजिए, देखिए काम बहुत किया है, योजनाएं कितने लाने का काम किया ये भी देख लीजिए। 5 इन्होंने बता दी, अब 10 आप बता दी, चलिए 5 कांग्रेस के बारे में बताइएगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं, बीते 10 सालों में ट्रेनों में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई यार तुम बोल रहे यार तुम दूसरे को छेड़ रहे हो। पहली बात ये है, कांग्रेस सरकार में जितने जनरल डिब्बा थे, ठीक है, संख्या भी इतनी थी और जनरल भी उतने थे, अब जनरल कितने हैं, दो पीछे रहते हैं एक गार्ड का, और दो पीछे रहते हैं और दो आगे, ठीक है, बाकी स्लीपर और एसी। दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस के काम बताइए, सुन लीजिए, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, हाँ वही है, जनता भी तो है देश में, क्यों नहीं है? मोदी था तो उसमें, मोदी जी ने खुद बोला है, अरे भाई साहब मोदी था, उस पे बात नहीं करेंगे, वंदे भारत की बात कर रहे हैं, क्या गरीब ये भाई साहब है, गरीब है क्या ये वंदे भारत में बैठेंगे क्या? वो बोलते हवाई चप्पल पहनाएंगे गरीबों को, हवाई चप्पल पहना रहे क्या मोदी जी? सुन लीजिए, वो वंदे भारत किस लिए चला रखी है,
आप जो अगर बिजनेस करने वाले कह रहा हूँ आप मोदी की बुराई नहीं पहले कांग्रेस के काम जुड़ाई रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना ये बात कर रहे हैं वंदे भारत की बात कर रहे हैं मैं वही बात बता रहा हूँ मैं क्यों नहीं है चैनल उन्होंने कभी कांग्रेस ने ट्रेन नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस के काम बताइए ट्रेने नहीं बेकी दूसरी बात जो हमारे नंबर एक जो किसान जो किसानों के लिए जो बिल माफ थे वो बिल माफ करे गए कांग्रेस ने कहा करा वो तो सरकार ने करा साहब कांग्रेस सुन लीजिए किसान जो किसानों के और जो किसान जो धरना देते थे वो इतनी टाइम तक नहीं देते 13 महीने तक किसानों ने धरना दिया किसान हाँ तो वही तो कर रहे हैं भाई वही क्यों नहीं किया है बिल माफ किया उन्होंने और जो नहर की भराई जो देते थे अब देनी पड़ रही पिछले जो कांग्रेस सरकार में थे वो बिल जो भराई माफ कर दी गई नहर की भराई दूसरी बात जो मंडी में जो किसान जो लेके जाता था हरियाणा चाहे कहीं भी लेके जा उसका टोल फ्री कर दिया था अब वो टोल लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने किसने ये सरकार जो भाजपा सरकार ने किया है कांग्रेस की बताइए ना भैया बता रहे ना हम बिल माफ किया है ना कांग्रेस सरकार में बिल माफ किया जो टोल फ्री किया ना ठीक है तीसरा बताइए दूसरी बात जो गंगा की बात करते गंगाओं की सफाई हुई ठीक है और ये बात करते हैं कांग्रेस सरकार में बहुत कुछ किया इन लोगों ने क्यों नहीं है किया वो नाम बताइए काम गिनाइए ना यार हमने 5 काम गिना दिए आप 5 ही काम गिना दीजिए एक काम को 2 बार गिनाने से काम नहीं गिनता है ठीक है एक काम को 2-3 बार गिनाने से काम नहीं गिनता है काम के काम करोगे तो जनता चुनेगी काम करते तो 15 साल से इस बार दोबारा जनता चुनती एक मिनट भाई साहब एक मिनट कांग्रेस ने सिर्फ क्या करा इंदिरा विकास पत्र सुनते रहे ना अपने नाम पे ही मतलब कोई और विकास पत्र नहीं हो सकता था औरंगजेब लेन सुनते रहे ना देश विरोधी काम ये काम किए हैं और अपने आप को खुद जिंदा जी अपने आप को ही अपनी सरकार में क्या देना भारत रत्न ये काम किए हैं आरोप लगा रहे कह रहे सब कुछ अपने लिए किया देश के लिए क्या किया देश के लिए इन्होंने कौन सा बलिदान दिया ये बताना भाजपा कौन सा बलिदान अरे सुन लो भाई राजीव गांधी एक मिनट राजीव गांधी किसने मरवाए थे किसने मरवाए एक सेकंड किसने मरवाया पूछ हाँ राजीव गांधी का उनका बलिदान नहीं था वो इनको पूछिए बलिदान नहीं था वो ने मरवाया कौन अरे भैया आपने ये मत सोचिए रुकिए रुकिए किसने मरवाया आप बताइए किसने मरवाया उनके परिवार वालों ने बलिदान दिया कहाँ पूछिए राजीव गांधी को किसने मरवाया एक सेकंड रुकिए रुकिए बता रहे हैं उनको पूछिए ना आप आरोप लगा रहे हैं आप बताइए तो किसने बात बोल रहे हर चीज पत्रकार महोदय सुन लो यार बलिदान कौन देता है देश का सैनिक देता है बॉर्डर पे गोली नहीं खाई उसने और तुम्हारे ही कार्यकाल में मरा वो कौन राजीव गांधी क्या बताइए ये बोले थे राजीव गांधी को किसने मरवाया मैं खुला चैलेंज देता हूँ उसकी उसकी पत्नी ने मरवाया सोनिया गांधी ने बड़ी बात कह रहे सोनिया गांधी ने बात ठीक है बड़ा आरोप लगा रहे पर सत्ता पे बैठने के लिए उतने का तो तुम क्यों उंगली उठा सकते हो कि भाई साहब क्यों शहीद होने वाला कांग्रेस का देश का शहीद होने वाला कांग्रेस का पार्टी आदमी था क्या भाजपा के सांसद कंगना रावत जो है बोलती है किसानों की माता बहना 500 बिठाई जाती है उनको इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई उसको इस्तीफा देना चाहिए ना उसको सही जवाब मिला चंडीगढ़ वाले उस पे एयरपोर्ट पे उनको सही जवाब ने सही जवाब दिया राहुल गांधी सुन लो ये तो कंगना रावत की बात है वही राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक है किसने बोला है राहुल गांधी किसने बोला है अरे पार्लियामेंट में फेक वीडियो को देख के बोल देते हो तुम लोग फेक वीडियो को देख संसद के अंदर की वीडियो थी कैसे फेक बता रहे हैं संसद के अंदर की वीडियो ये हरियाणा की बेटी बताते तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हरियाणा की बेटी बताते थे फोटो खिंचवाते क्यों कांग्रेस अच्छा ये बीजेपी में आ जाती फिर क्या होता विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं बताइए यार विनेश फोगाट का तो एक बात बताओ 550 ग्राम वजन कम हो गया तो उसको हटा दिया या ज्यादा हो गया तो नहीं खेल पाई उसमें कमी किसकी है जो उनके स्टाफ मैनेजमेंट थे उस महिला को तो हम भी अपनी अभी भी देश की बेटी बोल रहे हैं ना वो कांग्रेस में चले गए उसका विरोध तो नहीं कर रहे हम विनेश फोगाट कांग्रेस में भी चलेगी तब भी स्वागत करें देश की बेटी है गौरव की ये खुद बोल रहे और उसने बिरभूषण ने तो आरोप लगाए खुद तगड़े क्यों नहीं लगाए उन्होंने बिरभूषण ने कहा कि ये केवल राजनीति के तहत मुझे फंसाने का जहाँ देखा तब अपराध वहीं बिताई सारी रात कुछ नहीं है जो बेटी का इज्जत लूटने पर डरे हैं उसको रेड पर रोड पर खदेड़े जा रहे हैं देश की तो 12 साल की अयोध्या में 12 साल की बेटी के साथ किसने रेप किया था तुम्हारे बाप दादाओं ने ठीक है बांग्लादेशियों में हिंदू मुस्लिम के साथ किसने किया था तुम्हारी माँ बाप ने ठीक है अगर भाई साहब सुन मेरी बात अगर इनको दिक्कत है विकास से इनको दिक्कत है भ्रष्टाचार से अगर
हमने विकास दुबे को भी मारा है और अफजल अफजल गुरु को भी मारने का काम हम कर रहे हैं, ठीक है, और विकास दुबे को भी मारा है, ठीक है। इन जैसे आरोपियों को ना दिक्कत है कि भाई हमारे जेब में पैसा नहीं आ रहा, हम भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार लोगों को वो कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए दिक्कत इनको, तकलीफ इनको इस बात पे है, ठीक है। और भाई काम किया है ना, तो काम के मुद्दे पे अभी बोला था ना 10 बार गिना दो, साले एक तो गिना पाए नहीं काम करने पे, और ये 10 की बात कर रहे हैं। हाथरस कांड हुआ साहब, हम गिना देंगे, क्या बात कर रहे हैं सब, बीजेपी वाले फेंक रहे, न्यूज फेंक है, चोरी करे कांग्रेस ने काम, यहाँ पूरे देश के अंदर पत्थरबाजी कराई, यहाँ ब्लास्ट करवाए, यहाँ महिलाओं की आबरू लूटी गई, यहाँ जाली करेंसी करवाई, यहाँ सारे 2 नंबर के धंधे करवाए, कौन से काम, तुम 5 कह रहे, मैं 50 गिनवाऊं। फिर दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि शहीद गए भैया, आतंकवाद पाला तो आतंकवाद का शिकार हुए, एक गिद्दड़ की मौत मरे, शहीद नहीं हुए, शहीद जो हो गए थे भगत सिंह, आज को उसको शहीद ही दर्जा नहीं दिया इन्होंने, तो शहीद जो हुए उनको तो शहीद ही दर्जा ही नहीं मिलता, तो यहाँ तो सारी की सारी चोरों की राजनीति चल रही थी, सरकारें चल रही थी, आज उनसे छुटकारा मिला जनता को, तो जनता को खुशहाल है। ये तो बता रहे कि 50 काम कराए पर सारे गलत बता रहे, कह रहे बम ब्लास्ट कराए, भ्रष्टाचार कराया, में किसने करवाया था, अरे सुन लीजिए, पुलवामा में 44 जवान मरवा दिए, और ये कहते धारा 373 थी वो भी 3 जवान मरवा दिए, वो किसमें हुए, कौन हुए थे, बीजेपी भाजपा सरकार में ही, सतपाल मलिक कौन था, इनका पूछो ना सतपाल मलिक कौन था उस टाइम, सतपाल मलिक ने सच्चाई बात बोली, उनका मुंह बंद करने का काम किया। पूछ ले राहुल गांधी का धर्म कौन सा, ये बता दे पहले, धर्म पूछ रहे हैं, बता, अच्छा अरे हिंदू है, का धर्म बता दीजिए, वो कट्टर हिंदू है, 70 हिंदू है, कनाटा नहीं है, तो दूसरे को तुम धर्म पे आरोप उठा रहे हो, तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको बदलना चाहता हूं, जिहादी वाले, जिहादी वाले, सुन लीजिए हम धर्म पे बात नहीं करेंगे, धर्म पे बात नहीं करेंगे, ये सही कह रहा, इसको ये नहीं पता कि बालाकोट में 13वें दिन उनकी कब्र वही बालाकोट में खोद गए थे हमारे सैनिक, और ये यहाँ सबूत मांगते रह गए, ये तो वे दल्ले हैं जो के सेना के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं। अच्छा मैं एक प्रश्न करता हूँ, इस समय देश के अंदर जातिगत जनगणना की बड़ी बात हो रही, धर्म की बात चली थी तो जाति भी आ गई, अब भाई साहब धर्म की बात हो रही थी जाति आ गई, राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है, जाति क्या इस देश की राजनीति से हट नहीं सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी कहती थी जात पे नपात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगी हाथ पे, और राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराएंगे, ये धर्म की बात और धर्म के बात में जो धर्म में बांटे जा रहे हैं ना, ये देश की जनता धर्म में नहीं बटने, जाति की बात कर रहे हैं, नहीं ये अभी धर्म की बात हो रही थी, धर्म पीछे छोड़ते थे, जाति पे आते हैं अभी, की बात फैलाने लग रहे हैं, जाति की बात कर, जाति की बात आ गई तो जाति पूछनी की क्यों है, राहुल गांधी कह रहे पूछेंगे, राहुल गांधी ने नहीं बोला, जातिगत ने बोला है, क्या बात कर रहे हैं राहुल भाई साहब, राहुल गांधी जी ने कहा है जातिगत जनगणना करानी है देश में, क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला तो जाति की गणना होनी नहीं चाहिए, तो कह रहे अभी नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, आप बताइए क्यों होनी चाहिए, बताओ ना क्यों होनी चाहिए, होनी चाहिए वो तो क्यों होनी चाहिए, होती ना होनी चाहिए ना, अरे रीजन बताइए क्या बताइए क्यों, अच्छा होनी चाहिए ना, जाति गणना क्यों होनी चाहिए बताइए, होनी चाहिए, अरे तुम दूसरे की जाति से वोट मांगोगे, अच्छा ठीक है सुनिए, मैंने बात नहीं करते सदन में, जाति की बात करते हैं, सुन ली, जाति जाति से ही सदन चल रहा है क्या, आप ये बताइए, मैं आपके सामने 2 प्रश्न कर रहा हूँ, एक इंदिरा गांधी जी ने कहा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, राजीव गांधी जी ने कहा था जो राहुल गांधी के पिताजी ने कि हम जात पात पे विश्वास नहीं रखते, राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना करनी चाहिए, अब या तो पापा पापा और दादी की नहीं सुन रहे, अपनी बात की कर रहे हैं, इंदिरा गांधी सही, राजीव गांधी सही है, राहुल गांधी सही, कौन सही बता, जिस टाइम राहुल गांधी जी ने बोला था बिहार में जाति गणना हुई थी ना, वो किसने करवाई, जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्यों नहीं जब ऑप्शन उठाया, सही है गलत, मैं आपसे जान क्यों नहीं, आप बोल रहे हैं तो इंदिरा गांधी गलत कह रही, हमारी ओर से सही है, इंदिरा गांधी गलत कह रही, हाँ राजीव गांधी गलत, राजीव गांधी नेहरू जी सब गलत कह रहे थे, राहुल गांधी सही कह रहे, एक दूसरे के ऊपर ऑप्शन उठाते हैं ना, एक ही पार्टी के, गांधी इंदिरा गांधी ने सही बोला है, राहुल गांधी ने गलत बोला, मतलब सही कौन है, मतलब बेटा भी सही, बाप भी सही, दादी भी सही, तो गलत कौन है, हाँ आपकी क्या विचार है जातिगत जनगणना पे, किस तरीके से भाई जातिगत गणना क्यों होनी चाहिए, बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी समय चर्चा चल रही है, देश को बांटने का काम कर रहे हो तुम लोग, देश में हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो करवा कौन रहा है, जनगणना के शब्द जो आए थे कि जो हिंदू अपने दुकानों पर नाम डालेगा वो हिंदू कहलाया जाएगा, उन्होंने खुद बोला है, हिंदुओं के लिए नहीं बोला भाई साहब, सबके लिए बोला, सबके लिए बोला भाई साहब, क्यों
सुन लीजिए, क्या मोमडन नहीं लिख सकता है? क्यों बोला गया उसका भी रीजन, जैसे तुम जैसे यादी आ जाते हैं भाई साहब, मतलब जूस के अंदर पेशाब मिलाने के लिए, तो भाई साहब वैसा किया जाएगा, जैसे तुम जैसे आ जाते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं हमारे जब रात यात्रा निकलते हैं तो पत्थरबाज करने के लिए, तब तो ये सब चीजें बोला जाएगा। ये योगी आगे जाती है और कहा साहब, इस समय देश में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ पर थूक कर, सुनो पत्थरबाजी जहांगीरपुरी दिल्ली की नू गुड़गामा, अरे कल की करोलबाग की खबर है, करोलबाग में जूस में कलर मिला के पिलाया जा रहा था। किसने करा था वो? जूस के दुकानदार ने करा था, जूस के दुकानदार। तो वो कौन, उसका आरोपी कौन है? यही तो पहचान करने के लिए बोला गया है। तो उसको कौन, जब वो आरोपी है तो उसको जेल भेजो ना, क्यों ना भेजते, क्यों नहीं भेजते फिर, क्यों नहीं भेजेंगे? जेल भेजने का काम, जेल भेजने के बाद कांग्रेस ही करते थी, बुलडोजर चलाने का काम योगी कर रहा है, टेंशन मत लीजिए। ने सत्यानाश वो करा था, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, उस पर क्यों नहीं चलता है? अच्छा, उस दिन पहलवान बैठे, उस दिन नहीं दिखाई दिया आपको? उस दिन नहीं सबको दिखाई दिया जब पहलवान को खदेड़ा जा रहा था? वो वही पहलवान है जो कांग्रेसी के साथ आज जाके भाई से चंचागिरी कर रही है। भाजपा में शामिल हो जाते फिर क्या बोलते आप? कांग्रेसी के साथ शामिल हो जाते फिर क्या बोलते? सुन लीजिए, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाते फिर क्या बोलते? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मोदी के 5 ऐसे चीज बताइए जिसके वजह से अब सरकार बदलनी चाहिए, कुछ ऐसा बताइए जो भाजपा ने नहीं किया। किसके? देखिए, देश की जनता चाह रही है रोजगार, नौकरी चाह रही है, महंगाई चाहिए, महंगाई कम करना, महंगाई कम करनी चाहिए, इन्होंने महंगाई बढ़ा रखी है। और सुन लीजिए, दूध चीनी पत्ती इन पर GST लगा रखा है। पहले नहीं था? पहले कहाँ था? टैक्स नहीं था पहले? पहला कहाँ था? टैक्स नहीं था पहले? नहीं था पहले? कहाँ था? दूध पर टैक्स था, टैक्स सब पे लगा। सुन लीजिए, ये आ जाते हैं मोमो करवाने, ठीक है अपना। अब भाई इनको ये नशा करके आए हुए पहले से ही, इनको दिक्कत, इनको भाई राम मंदिर जो बनवा दिया उस पे आपको टिप्पणी। किसने खोला था इनको पूछो? ताला किसने खोला? भाई साहब सुन लिया करो यार, सुन लिया करो यार भाई। अरे मोदी जी के मन की बात तू किसकी सुनता है फिर? अबे इधर आके बात करना, बाकी क्यों रहा भाई? ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। और फिर कहते हैं राम काल्पनिक है। कांग्रेस के टाइम में वकील किसने खड़े करे थे? 24-25 वकील राम के विरोध में, तुमने। फिर कहते हैं ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट उस समय भी था, सुप्रीम कोर्ट उस समय भी था, तब आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं चलाई? तब प्रोसीजर नहीं था क्या? इस मोदी के कार्यकाल में क्यों चली? विरोध करना आता है। तरीके से देख रहे हैं समय हरियाणा चुनाव की, खास करके बात करें तो 3-4 मुद्दे बहुत तेजी से आ रहे हैं। एक तो रोजगार का बड़ा मुद्दा है कि विरोध नहीं सुनिए। इससे पहले क्या सारे ISPCS से नौकरियां छूट गई, सबकी कुर्सियां छिन गई? ये कोई तर्क नहीं हो सकता ना कि आप रोजगार की बात करें फिर कहें कि कोई पहले नौकरी नहीं, मतलब इससे पहले कोई किसी को नौकरी ध्यान नहीं, काम ध्यान नहीं आया? मोदी जी आगे तो काम चाहिए वो, मैं उससे पहले के भीख मांग रहे थे। किसकी सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर? भाजपा आएगी, दिल ठोक के कहता हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं जातिगत जनगणना की बात करें, यहाँ हम बात करें रोजगार का, एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा चुनाव के अंदर, किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? देखिए बीजेपी ने जो बहुत सारा काम किया है ऑल ओवर इंडिया में किया है, हरियाणा में भी किया है, तो उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही। ऐसा नहीं कि बीजेपी आउट हो जाएगा, बीजेपी को के लिए बहुत स्ट्रांग ग्राउंड बना हुआ है ऑलरेडी। और हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, हरियाणा की जनता तो देश में सबसे ज्यादा समझदार लोगों में से गिनी जाती है, तो ऐसे कैसे सडनली डाउन हो जाएगा? इन लोगों ने अलग अलग मुद्दे निकालने लगे कि नहीं हुआ, काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ा दी, ये करी वो करी, बेरोजगारी बढ़ा दी, ये किस मतलब मेजरमेंट पे कह रहे हैं, मेजर कर लिया कि बेरोजगारी बढ़ गई, जब सारी चीजें अच्छी हो रही है, इतना टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट हो रहा है और चंद तरह की, मतलब बीजेपी ने सारे काम किया, हरियाणा के लिए भी काम किया है। मुद्दा और आ रहा है किसानों का और पहलवानों का, एक बड़ा मुद्दा हरियाणा चुनाव में खासकर बताया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे देश की महिला किसान, महिला पहलवान बैठी हुई थी सड़कों पर और किस तरीके से घसीटा गया, वो तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी, और आज वही पहलवान कांग्रेस के साथ है, तो एक सिंपैथी भी साथ में है और कहीं ना कहीं वो एक बल मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए पहले किसानों का मामला आया था, जहां तक मुझे याद है ये करीब 3-4 साल से चल रहा है किसानों का मामला, उसके बाद ये पहलवानों का मामला आ गया। और किसानों के मामला में जो मतलब जो कंस्पिरेटर थे उन लोगों ने ही इनको लाया है, क्योंकि ये भी हरियाणा के थे और इन लोगों को लाया है। इनके भी मुद्दे हैं, चलो ठीक है, मतलब इनके साथ गलत हुआ है तो गलत हुआ है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी चल रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, तो हर चीज में बुलडोजर थोड़े ही चलाएंगे। यदि बुलडोजर चलाना है तो हर चीज में, ऐसे नहीं कि ब्रिजभूषण के घर के बुलडोजर, कोर्ट जैसा कहेगा उसके हिसाब से होगा। की सरकार आ रही है इस बार पक्की तौर पर? नहीं, हरियाणा में तो मतलब आनी चाहिए मेरे समझ से, देखिए बहुत डीप एनालिसिस मेरे पास है नहीं ऐसे, लेकिन हरियाणा में पक्की आएगी। 5 सीटें तो लोकसभा में भी आई है ना,
और अभी भी आएगी डेफिनेटली, 45 सीटें थी मतलब विधानसभा में भी, और इसमें भी आएगी, पक्की आएगी, मतलब 50 के आसपास इसकी सीटें डेफिनेटली, हाँ, बीजेपी की आउट ऑफ 50 के आसपास। तो जिस तरीके से देखा आपने हरियाणा चुनाव को लेकर, यहाँ पर जनता में दो गुटों में लोग बट गए, और किस तरीके से कई लोग कांग्रेस के समर्थन में नजर आए, वहीं कई लोग भाजपा का समर्थन करते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों पर बात की गई, चाहे वो रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, पहलवानों की बात हो, या जवानों की बात हो। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।